टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, आइए हम जानेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे, थ्रू वेरियस इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आर सीन। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोनेंट बींग यूज, जिस कॉम्पोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए हम जानेंगे। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आर हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। तो आइए हम जानेंगे। हेयर वी विल स्टडी ओनली द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है किसी कंडक्टर से, इट जनरेट हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर टू द करंट फ्लो। इसलिए होता है क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है किसमें, वायर में, डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला मटेरियल ऑफ द वायर, किस तरीके का वायर है, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर कितना पतला है, और अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, कितना अमाउंट उस तार से करंट फ्लो हो रहा है। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट, द ग्रेटर वुड बी द हीट जनरेटेड। अगर हमें करंट चाहिए है ना, तो ज़्यादा हमें अच्छी क्वालिटी की वायर भी चाहिए, जिससे कि वो इजीली वहाँ से मेन सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। दैट इज़ वाई कॉपर वायर विच ऑफ्टन वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, इसलिए हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं, डू नॉट गेट हीटेड अप, और वो बहुत जल्दी हीट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड नाइक्रोम्स एंड टंगस्टन ऑफर हाई रेजिस्टेंस, जैसे कि नाइक्रोम और टंगस्टन, ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है और इसमें बहुत ही जल्दी ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, बहुत तेज़ी से ये गर्म करता है एंड गेट हीटेड अप क्विकली, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी भी फ्लो होता है और बहुत ही जल्दी ये हीट भी करता है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम यहाँ पे जानेंगे एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के में। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और हम हीटिंग इफेक्ट हम देखेंगे होता किसकी वजह से, करंट जब फ्लो होता है, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के द्वारा देखेंगे, जैसे कि द इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन गीजर, हॉट प्लेट, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक केतली एंड इमर्जन हीटर आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। इन सब ऑब्जेक्ट पे हीटिंग इफेक्ट होता है किसकी वजह से, जब इन सब ऑब्जेक्ट के ऊपर करंट फ्लो किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम प्रेस कहते हैं। द इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड फॉर आयरनिंग क्लोथ, हम इलेक्ट्रिक आयरन इसलिए यूज़ करते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए। इट हैज़ ए लॉन्ग फ्लैट स्ट्रिप ऑफ निक्रोम वायर दैट एक्ट एज हीटिंग एलिमेंट, और इसके अंदर लॉन्ग और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ निक्रोम वायर होता है, और ये काम क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट्स इसको हम कहते हैं। द निक्रोम वायर इज बाउंड ऑन अराउंड अ थिन शीट ऑफ मीका, और निक्रोम वायर ये चारों साइड क्या होता है, ये कवर आउट होता है फ्लैट शीट ऑफ मीका के साथ एंड केप्ट बिटवीन टू मीका शीट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, द नाइक्रोम वायर गेट हीटेड, तब नाइक्रोम वायर क्या होता है, हीट होता है टू अ हाई टेम्परेचर, यानी तभी हाई टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है उन तारों के अंदर ड्यू टू द इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, तभी आयरन गर्म होता है। नाउ सेकेंड इज इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड फिलामेंट, और इसके अंदर घुमावदार होता है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, वो बना किससे रहता है, टंगस्टन मेटल से, इनक्लोज इन अ ग्लास बल्ब, और ये ग्लास बल्ब के अंदर होता है, एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स वाइट हॉट, तब ये कैसा हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है एंड गिव्स आउट लाइट, तभी वो लाइट को प्रोवाइड करता है कौन, बल्ब।
टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड डज नॉट मेल्ट इवन वेन गेटिंग वाइट हॉट, जब सफ़ेद रोशनी प्रोवाइड करता है टंगस्टन तब ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं करता है। जैसे आपके घर में बल्ब है, जब वो जलता है आप देखेंगे, वो जब वो जलता है तो कभी भी क्या मेल्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, द फ्यूज इज़ ए सेफ्टी डिवाइस, और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये बहुत ही सेफ्टी डिवाइस है, घर में यूज़ किया जाता है। क्यों? यूज इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रिवेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट, यानी ज़्यादा हम मात्रा में जितनी बाउंडेशन हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अपने आप गिर जाएगा और इससे क्या होगा, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच जाएंगे फ्यूज़ होने से, यानी हैवी लोड की वजह से वो फ्यूज उड़ जाता है घर के अंदर, जो हम घर के घर में फ्यूज़ का सिस्टम यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अलाउ ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट फिटेड इन टू अ कैरियर मेड ऑफ पर्कलेन और ग्लास। फ्यूज़ वायर इज मेड फ्रॉम अ लो मेल्टिंग पॉइंट अलाउ, और फ्यूज़ वायर के अंदर बना हुआ किसे रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये। When large current flow, जब large current flow होगा through the circuit, this fuse get heated up and melt away. अब जब ज़्यादा electricity flow होगा तब क्या होगा, ये melt हो जाएगा। As a result, the circuit is broken. Circuit क्या होगा, broken हो जाएगा and for the damage, और damage भी हो जाएगा to the electrical appliances को is prevented. और electric fuse के द्वारा हम अपने object या device को बचा भी सकते हैं। Electric fuse इसलिए use किया जाता है, heavy डोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड होगा सर्किट के अंदर तो उसको वो नहीं होने देगा, उसे रोकेगा। रिमेंबर अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन द लिव वायर। सेकंड, अ फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग शुड बी यूज, और फ्यूज को हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, और जहां हम लोग जिस घर में रहते हैं जो भी एप्लीकेंस हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ भी मेन बोर्ड में जहां पे हमारा सारा इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा करंट फ्लो होता है वहाँ पे फ्यूज़ का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है कभी भी ज़्यादा वोल्टेज होगा तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फ्यूज़ नहीं करेगा। नाउअडेज फ्यूज़ आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, आप देख सकते हैं जो ये सारे फ्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।